हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, आज हम चैप्टर नंबर सिक्स रीड करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर सिक्स, चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के जो बदलाव होते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए, लेट्स बिगिन। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं सब एक बदलाव में आती हैं। ठीक है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। चेंज जो है वो नेचर का एक लॉ है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सारे बदलाव देखते हैं। दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाई अस एट होम, स्कूल, प्ले ग्राउंड, गार्डन, पार्क एंड अदर प्लेसेस। ये जो बदलाव हैं अपने घर पर, स्कूल में, प्ले ग्राउंड, गार्डन, पार्क और भी कई जगह हैं, वहाँ ही हम देख सकते हैं। ओके, अ सडन चेंज इन वेदर, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ एलपीजी और कैरोसिन ऑयल, मिल्क चेंजिंग इन टू कर्ड एक्सेट्रा आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अवर एवरी डे लाइफ। मतलब एकदम तुरंत ही बदलाव आ जाता है किसी मौसम में। ठीक है, आयरन के रस्टिंग, उस पर एक जंग आना आयरन पर, खाने का पकना, सीड्स का उगना, ये दिख रहा है ना, सीड्स का उगना, ये रस्टिंग ऑफ आयरन दिखाई दे रहा है। ये मौसम में एकदम चेंज आ गया, बादल आ गए, एकदम बारिश आने का जैसा मौसम हो गया। ये सब जो हैं, ये एलपीजी गैस का बन जलना या मिट्टी के तेल कैरोसिन ऑयल का जलना या फलों का पकना, मिल्क जो है दही में बदलना, ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं किसके, चेंजेस के, हमारी जो दैनिक जीवन में जो बदलाव होते हैं उनके एग्जाम्पल उदाहरण हैं। देर आर अ नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम। हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। सम चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इमीडिएटली वाइल सम अदर चेंजेस कैन बी नोटिस्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव तो होते हैं तुरंत के तुरंत नोटिस किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद नोटिस किए जाते हैं। ठीक है, देर आर मैनी चेंजेस दैट इवन गो अननोटिस्ड। और कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कभी हमारे नोटिस में भी नहीं आते लेकिन बदलाव हो जाते हैं। अ चेंज कैन ब्रिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स इन द थिंग अराउंड अस। चेंज से क्या होता है कि हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनमें एक अलग बदलाव आ जाता है, और अलग कई बदलाव आ जाते हैं, एक ही नहीं कई बदलाव आ जाते हैं। सम ऑफ देम ब्रिंग परमानेंट चेंजेस एंड हैंस कैन नॉट बी रिवर्स, वाइल सम इफेक्ट बींग अ टेम्परेरी चेंजेस विच कैन बी रिवर्स। कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आ सकते, मतलब परमानेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं टेम्परेरी होते हैं, बाद में रिवर्स हो जाते हैं। अब परमानेंट, जैसे कि मान लो दूध का दही बन गया या दूध फट गया, पनीर बना लो उसका, ये परमानेंट है। उस पनीर से, दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते हो। अच्छा, बर्फ़, आइस जो बनती है वाटर से, वाटर से आइस, पर आइस से दोबारा से तुम वाटर बना सकते हो, तो ये तो परमानेंट चेंज नहीं है, ये टेम्परेरी है जो कि रिवर्सिबल है। ठीक है, लेट अस मोर अबाउट चेंजेस, और हम कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। ये चेंजेस होते क्यों, वाई डू चेंजेस अकर्स, तो सुनिए। डू यू नो वाई चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस, क्या तुम जानते क्यों होते हैं चेंजेस हमारे आसपास, बताते हैं, सुनिए। चेंजेस इन वेदर अकर ड्यू टू हीट ऑफ सन। वेदर में जो चेंजेस होते हैं, वेदर में जो चेंजेस होते हैं वो तो हीट ऑफ द सन की वजह से होते हैं। डे और नाइट होती है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस हैं, इनके कोई ना कोई कारण होते हैं। तो इन्हीं कारण के बारे में, दीज चेंजेस कैन ब्रिंग आउट द चेंज शेप, साइज, पोजीशन, कलर एंड स्टेट ऑफ द थिंग। तो ये सारी चीज़ें, शेप, साइज, पोजीशन वगैरह जो बदलाव आते हैं, यही चीज़ें हम इसमें चैप्टर में और आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नेक्स्ट आती है हेडिंग हमारी टाइप्स ऑफ चेंजेस की। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस को। आप तब तक यहाँ पढ़ो।